वसूलीबाज शिव सैनिकों के खिलाफ नितिन गडकरी की चिट्ठी को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है। वजह यह है कि एक तो अनिल देशमुख का वसूली कांड और दूसरी तरफ शिव सैनिकों का वसूली तंत्र। हालात ये हैं कि कोई भी निर्माण कार्य तब ही आराम से होने दिया जाता है जब शिव सैनिकों को खुश कर दिया जाता है। शिव सैनिकों की वजह से महाराष्ट्र में चल रहे हाईवे का निर्माण कार्य ठप पड़ गया है। वजह यह है कि शिव सैनिकों ने कई मशीनें चला दी तो वहीं ठेकेदारों को हड़काया और धरना देकर बैठ गए। इस सब से परेशान होकर नितिन गडकरी ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर शिव सैनिकों पर लगाम लगाने को कहा। नितिन गडकरी के पत्र से शिवसेना तिलमिला गई। इस पर शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा कि शिवसेना भी गडकरी को पत्र लिखकर कुछ सवालों के जवाब मांगेगी। शिवसेना नेता वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष किशोर तिवारी ने आगे बढ़ते हुए दावा किया, उनके पास तो बीजेपी वसूलीबाज नेताओं की लंबी लिस्ट पड़ी है। पिछले दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर महामार्गों के निर्माण में शिवसेना नेताओं द्वारा अड़ंगा डालने का आरोप लगाया था। उन्होंने यहां तक लिखा था कि ऐसे ही शिव सैनिक काम में रुकावट डालते रहे तो महाराष्ट्र के लिए किसी प्रस्ताव को मंजूर करने से पहले विचार करना होगा। गडकरी का पत्र सामने आने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच का आदेश दे दिया है। ठाकरे सरकार के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत सामने आए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पत्र को लेकर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे, लेकिन रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के जनप्रतिनिधि भी गडकरी को पत्र लिखने का फैसला ले चुके हैं। सामंत ने कहा कि मुंबई गोवा महामार्ग पर 90 मीटर का पैच बाकी है, ऐसा क्यों है इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद उसे शुरू नहीं किया गया, क्यों इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस बात का पता लगाना चाहिए कि इसमें किसी को हस्तक्षेप दबाव तो नहीं। इस पर गडकरी को विचार करना चाहिए। गडकरी के पत्र पर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकरे को लिखे पत्र की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इससे पहले गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बताया था कि कैसे बीजेपी के सांसद और विधायक राष्ट्रीय महामार्ग के काम में कमीशन वसूली के लिए अड़ंगा लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।